22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लेन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है, और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर हैं अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। पहला देश धर्म, फिर परिवार, और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत, जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत, हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंच प्रण दिए। ये पंच प्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, तो समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या है, इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि पंच प्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है।